सुप्रभात बच्चों, आज आप लोग हिंदी की रोली पुस्तिका में पढ़ेंगे पाठ 6 आजादी की धूम। यहाँ ध्यान से देखिए, इस कविता में बड़ी उ की मात्रा का प्रयोग करते हुए ये कविता बनाई गई है। इस कविता में हमें बहुत आनंद आने वाला है। आजादी की धूम है, मतलब कि आजादी की खुशी है, और इस खुशी को कैसे इस कविता में हाथी, कबूतर, चूहा, चूहिया इत्यादि इस धूम को मना रहे हैं, कैसे अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है। यह कविता बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्दों से बनाई गई है। इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि कहाँ कहाँ बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। पिछले 2 से 3 वीडियो में मैंने बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को बताया, उनसे जुड़ी एक कहानी बताई, कालू भालू, उनके प्रश्नोत्तर अभ्यास करवाए गए, और आज मैं आप लोगों को बड़ी ऊ की मात्रा से जुड़ी हुई एक कविता बताऊंगी। यहाँ ध्यान से आप लोग चित्र देखेंगे, हाथी है, कबूतर है, चूहिया है, ये सभी मिलके आजादी की धूम मचा रहे हैं, धूम मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए चलिए हम लोग कविता को अब लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। आप लोग अपनी अपनी रोली की पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 41 यानी कि पेज नंबर 41 सभी निकालेंगे। चित्र में हम देख रहे हैं किस तरह से सुबह का दिन है, सूरज निकला हुआ है, हाथी है, चूहिया, चूहा, कबूतर, भालू ढोलक बजा रहा है, सभी खुशी मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं, है ना बच्चों? तो चलिए हम कविता को पढ़ते हैं, और इस कविता को आप लोग भी शुद्ध शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आजादी की धूम मची थी, आजादी की धूम, किसकी धूम मची थी? आजादी की धूम। इस कविता में कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, कोई भी अभ्यास नहीं है, लेकिन इस पाठ में से मैंने कुछ अभ्यास अपने से बनाया है, कुछ प्रश्नोत्तर, कुछ खाली स्थान और कुछ एक्टिविटी के रूप में आप लोगों को गृह कार्य दिया जाएगा, और सभी बच्चे उसे बना के सामने ग्रुप पे सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए कविता को देखते हैं ध्यान से। आजादी की धूम मची थी, आजादी की धूम, किस चीज की धूम मची थी? आजादी की धूम मची थी, खुशी की धूम मची थी, है ना बच्चों? झूम झूम कर आया हाथी, झूम झूम कर कौन आया? झूम झूम कर हाथी आया, या फिर इस तरह से प्रश्न बन सकता है, हाथी किस प्रकार से आया? तो हाथी झूम झूम कर आया, खुशी में झूमता हुआ हाथी को हम लोग कभी चलते हुए देखते हैं, झूम झूम कर एकदम मस्ती में वो चलता है, उसकी चाल मस्ती भरी होती है। तो झूम झूम कर आया हाथी, धम धम करता भालू, और भालू जो है वो ढोलक बजाता हुआ धम धम करता आया। झूम झूम कर कौन आया? हाथी, और धम धम करता भालू। यहाँ हम बड़ी ऊंची मात्रा वाले शब्दों को रेखांकित करते हुए देखते जाएंगे। धूम है धूम, उसके बाद झूम झूम, ये सभी बड़ी ऊंची मात्रा है। धम धम करता भालू, काजू खाकर चूहा आया, काजू खाकर कौन आया? काजू खाकर चूहा आया, या फिर इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, काजू किसने खाया? तो काजू चूहा ने खाया। झूम झूम कर आया हाथी, धम धम करता भालू, काजू खाकर चूहा आया, मटर कुटकती चूहिया। मटर के दाने हम लोग देखते हैं ना, छोटे छोटे हरे होते हैं, उन्हें कुटकना यानी कि दांत से उसको तोड़ना, मटर कुटकती चूहिया। चूहा तो काजू खा रहा था और चूहिया क्या कुटक रही थी? मटर कुटक रही थी। बूढ़ा एक कबूतर चलकर गुटर गुटर कर आया, कबूतर की हम लोग आवाज सुनते हैं किस तरह वो बोलता है, गुटर गुटर, है ना? तो बूढ़ा कबूतर, कबूतर कैसा था? बूढ़ा था। बूढ़ा एक कबूतर चलकर गुटर गुटर कर आया, वह गुटर गुटर की आवाज निकालकर धीरे धीरे चलकर आया। धीरे धीरे क्यों चला? क्योंकि वह बूढ़ा था, वो ज्यादा तेजी से नहीं चल सकता था। स्पष्ट है बच्चों? फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। आजादी की धूम मची थी, आजादी की धूम,
झूम झूम कर हाथी आया, धम धम करता भालू, काजू खाकर चूहा आया, मटर कुटकती चूहिया। बूढ़ा एक कबूतर चलकर गुटर गुटर कर आया। स्पष्ट है बच्चों? अब आगे देखते हैं। आजादी की धूम मची थी, आजादी की धूम। किसकी धूम मची थी? आजादी की। बिल्कुल सही। आप लोग भी इसको साथ साथ में मेरे साथ बोलिए वीडियो में, ठीक है। धम 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 हाथी झूमा। हाथी किस प्रकार से झूमा? धम 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 धम, झूम झूम कर तो आया ही था। अब यहाँ पर देखिए, धम 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 हाथी झूमा। यहाँ हम बड़ी उसके मात्रा को अंडरलाइन कर दे रहे हैं। काजू, चूहा, बूढ़ा, कबूतर, यहाँ पे धूम। धम धम करता धम 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 हाथी झूमा, ठुमक ठुमक कर भालू नाचा, भालू घूमा। धम 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 हाथी झूमा और ठुमक ठुमक कर कौन है? भालू घूमा। ठुमक ठुमक कर कौन घूमा? भालू घूमा। उछल कूद कर नाचा चूहा। चूहा कैसे नाचा? उछला कूदा और फिर नाचा, उछल उछल कर नाचा चूहा। चूहिया झूला झूली। झूला कौन झूली? चूहिया झूली। चूहिया क्या कर रही थी? वह मस्ती में खुशी मना रही थी, आजादी की धूम मचा रही थी, मटर कुटक रही थी और झूला झूल रही थी। छम 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 नाचा कबूतर। कबूतर बूढ़ा था लेकिन वह भी खुशी में अपनी खुशी मना रहा था और वो भी नाच रहा था। छम 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 नाचा कबूतर, बहुत नाच दिखलाया। वह कम नहीं नाचा, वो सबके बराबर ही खुशी मनाया, झूमा गाया, छम 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 करके नाचा और बहुत नाच दिखलाया। आजादी की धूम मची थी, आजादी की धूम। याद हुआ बच्चों आप लोगों को? इस कविता को आप लोगों को लयबद्ध तरीके से याद करना है। एक बार मेरे साथ फिर से आप लोग इसको पढ़ लीजिए। आजादी की धूम मची थी, आजादी की धूम, झूम झूम कर आया हाथी, धम धम करता भालू, काजू खाकर चूहा आया, मटर कुटकती चूहिया। बूढ़ा एक कबूतर चलकर गुटर गुटर कर आया। कबूतर कैसा था? बूढ़ा था। आजादी की धूम मची थी, आजादी की धूम। धूम मची थी इसका क्या अर्थ हुआ? आजादी की खुशी है, सभी इस खुशी में शामिल है, सभी खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। धम 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 हाथी झूमा, ठुमक ठुमक भालू घूमा, उछल कूद कर नाचा चूहा और चूहिया झूला झूली। छम 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 नाचा कबूतर, बहुत नाच दिखलाया। आजादी की धूम मची थी, आजादी की धूम। तो ये बच्चों आप लोगों की कविता हुई बड़ी ऊंची मात्रा से बने शब्द को। इसमें से इस कविता को आप लोग याद कीजिएगा समझ के, क्योंकि इसमें से मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दूंगी गृह कार्य के रूप में और कुछ एक्टिविटी वर्क दूंगी। तो वो आप लोगों को बहुत ही सुंदर साफ अक्षरों में कॉपी में बनाना है, हिंदी की रोली की फेयर कॉपी में, और ग्रुप पे सेंड करना है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।